अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पसे पर्दा में आप सबको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं नादिया नकी और आज हम आपको दिखाएंगे कि PSL सीजन 4 जो पाकिस्तान में है, जो आज एलिमिनेटर राउंड है, एलिमिनेटर राउंड नंबर 1, जिसमें कराची किंग्स का मुकाबला होने जा रहा है आज। और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लोग आना शुरू हो चुके हैं, स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। आज यहाँ हमारे आने का मकसद यही था कि पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन PSL के ज़रिए इस क्रिकेट को पाकिस्तान में बहाल किया गया। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट नजम सेठी साहब, जो कि लेकर आए थे PSL को पाकिस्तान। और आज माशाल्लाह PSL सीज़न 4 है, देख रहे हैं हम कि लोग जोग दर जोग आना शुरू हो गए हैं। हैरानगी मुझे ये होती है कि मैच स्टार्ट होगा शाम 7 बजे, लेकिन आप लोग सब माशाल्लाह पहले से आना शुरू हो गए। और ये लोग बड़े दूर से चलते हुए आ रहे थे और नारे लगाते हुए आ रहे थे। जरा पहले नारे तो सुन लें हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े जबरदस्त किस्म के नारे वारे आप लोग लगाए जा रहे हैं, और यहाँ से नहीं, कारसाज से ये लगाते हुए आ रहे हैं राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम। आए कहाँ से? कराची से ही हैं या कहीं और से? जो है ना वो बिलोंग करते हैं उमरकोट डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से। ओके। और हम सारे वहाँ से आए हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, जो कराची में मैच हो रहा है PSL का, उसको देखने के लिए। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हुई है, उसको सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो भी प्लेयर आए हैं इंटरनेशनल, उन्हों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल करने के लिए बहुत बड़ा एक ना फर्ज निभाया है, और बहुत हमारे पे मेहरबानी करी है। उन्हों की मेहरबानी, शुक्रिया हमेशा रहेगा पाकिस्तान के साथ। और हम ये PCB को और पाकिस्तान की आवाम को ये मुबारकबाद देते हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गई है। और कराची के लोगों को कहते हैं कि आप ज़्यादा में ज़्यादा सपोर्ट करो, क्रिकेट ज़्यादा में ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्रिकेट के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कौम में वो जज्बा है जो सबको एक कर देता है। आपके ख्याल में क्रिकेट वो वाहिद है जिससे आपको इस कौम के बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शफीक वाघा, मैं 23 साल से वाघा बॉर्डर में, लाहौर में पंजाब में। अच्छा, वाघा बॉर्डर लाहौर से है मैं। मेरी कैंसिल हो गई, लेकिन मैं फिर भी कराची इतना खर्चा करके सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त जीते या पेशावर जीते, जो भी जीते, पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान की जीते, पाक फौज की जीते, पाकिस्तान रेंजर की जीते, पाकिस्तान पुलिस की जीते, पाकिस्तान मिल की जीते, पाकिस्तान बच्चे की जीते, पाकिस्तान की जीते। वेरी गुड। ये पंजाब अमन मुल्क है, हमेशा अमन का मकाम रहेगा, पाकिस्तान अमन मुल्क है जी। असल जीत पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक बात है, असल जीत पाकिस्तान की। लेकिन किसी एक टीम को तो सपोर्ट कर रहे होंगे आप लोग? मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत होगी तो पाकिस्तान की होगी, इंशाल्लाह बेहतर हो गए हालात, इंशाल्लाह ताला। हमारे बहुत खुशी है पाकिस्तान के मैच होंगे, सही ज्यादा हम एक्साइटेड। आप कहाँ से आए हो? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। जबरदस्त। और आज मेरा फेवरेट टीम है कराची, में कराची को सपोर्ट करता हूं आज के लिए। वाह भाई वाह, तो ये आप PSL के लिए आप आए। अब आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब रेंजर्स से, वाघा बॉर्डर के ऊपर ये काम करते थे वहाँ से आए हैं, इसके अलावा उमरकोट से लोग आए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे। आप कहाँ से आए हो? कराची से। व्हाट्स योर गुड नेम? Azan, who are you supporting? Oh, you're supporting Karachi Kings. And what about you? You are Zalmi. Very nice. तो आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आज कराची को सपोर्ट कर रहे हो। और ये छोटा सा बच्चा, आ जाओ फेस पेंट करा के। सो कोई नारे शारे लगाते हो जब स्टेडियम में जाते हो? ये कल का मैच कैसा लगा? सो अभी आज आप क्या समझते हो कौन जीतेगा? आज कराची जीतेगा। थैंक यू सो मच, जाओ जाकर इंजॉय करो मैच। लोग जिस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर स्टेडियम में, हम आपको बताएंगे कि स्टेडियम में बहुत दूर दूर से, जो ऑफ कोर्स आप बाय नाउ आपको मालूम है कि ये पूरी अरेंजमेंट्स की जाती हैं, जहाँ शटल सर्विस के ज़रिए ये सारी फैमिलीज जो हैं वो आती हैं, और बहुत दूर दूर से आपको लोग चलते हुए नज़र आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट का वो जो स्पिरिट है, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट का स्पिरिट है, वो कहीं नहीं मिलता। इनमें से कोई आपको ये शिकायत करते हुए नहीं नज़र आएगा कि हमें क्यों इतना चलना पड़ रहा है, या यू नो वी हैव टू क्रॉस सो मैनी लेयर्स। सिक्योरिटी का अगर मैं जिक्र करूँ तो सिक्योरिटी भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वाई नॉट, आज तो मुझे लगता है इस एलिमिनेटर राउंड में कराची किंग्स के सपोर्टर ज़्यादा लग रहे हैं। होम ग्राउंड है, इंशाल्लाह वी आर सपोर्टिंग कराची किंग्स, और इंशाल्लाह कराची किंग्स जीतेगा।
और कल इंशाल्लाह पेशावर जल्मी से जीत के फाइनल में क्वालीफाई करेगा। ओहो, जल्मी बड़ी स्ट्रांग टीम है भाई। जल्मी स्ट्रांग है लेकिन इंशाल्लाह इस दफा जीत कराची की होगी। अच्छा, और ये जो पूरा माहौल है PSL सीजन 4 माशाल्लाह पाकिस्तान में, तो कितने मैचेस कराए गए, कैसा लगता है आपको? एंड व्हाट काइंड ऑफ, ऐसा लग रहा जैसे ईद के दिन हमारे लिए, सब बहुत खुश हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे हैं और पार्टी के निजाम भी अच्छा बनाया हुआ है, बड़े खुश हैं। इसी तरह हर साल कराची में मैच होते रहे, हम कराची इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर PSL सारा कराची में होगा इंशाल्लाह। कराची के साथ साथ हमारी उम्मीद ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। आज आप कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक प्लेयर तो बता दे, द मेन प्लेयर दैट यू फील के उस पर आज इंशाल्लाह इंग्रम आज ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय द मैच। जैसे जैसे हम सामने आपको लेकर जाएंगे, आप देखिएगा कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, फैमिलीज हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, इन सब से आपकी बात कराते हैं। वी आर हियर राइट आउटसाइड द स्टेडियम ताकि आपको ये स्पिरिट दिखा सकें कि क्रिकेट इज़ वन थिंग, जो कि मेरे ख्याल से ये मैसेज पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है। और जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो इस चीज़ को अब अपने जहनों से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती, बेशक हो सकती है क्रिकेट पाकिस्तान में। स्टेडियम के चारों अतराफ अगर मैं चलना शुरू करूं तो हर तरफ से ये लोग आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, स्टेडियम में आने का भी एक अपना अंदाज़ होता है। कुछ लोग बिल्कुल प्लेनली ड्रेसअप होकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वाकई इसको एक फ़न जिसे कहते हैं ना इवनिंग बनाना चाहते हैं, और इसलिए अपने कभी कोई फेस पेंट करवा रहा होता है, कभी कोई कुछ साथ लेकर जा रहा होता है। जैसे आई कैन सी समबडी यू नो गेटिंग अ डॉल ओवर हियर। आप लोग कराची से ही हो? जी नहीं, हम हैदराबाद से आए हैं। और ज़बरदस्त, आज तो मुझे लगता है ये वाकई मिनी पाकिस्तान कराची है, और ये PSL ने तो सारे पाकिस्तान को यहाँ जमा कर दिया है। इससे पहले कोई मैच देख के गए थे यहाँ पर? नहीं, इससे पहले कोई मैच नहीं देने के गए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए। तो कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हो? कराची किंग। आप भी? जी जी, कराची किंग। और आप भी? जी, कराची किंग। तो पहुँचे आप लोग आज ही है? जी जी, अभी पहुँचे हैं। चले, बड़ा जबरदस्त सा माहौल है, आप भी इसको एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग। ये वो सारे जिसे कहते हैं ना कि ये एक्सेसराइज करना चाहिए आपको जब आप स्टेडियम में आए। बजा बजा यार, बजा। हाँ हाँ, बजा बजा। एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, नाम बताओ अपना। मुजम्मिल। कहाँ से आए मुजम्मिल? कराची से। कराची से। किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? पाकिस्तान। वेरी गुड। कराची। कराची को आप लोग कर रहे हो। PSL पाकिस्तान में आ गया, दुबई में भी मैचेस हुए, लेकिन इस मरतबा ज्यादा मैचेस यहाँ हुए। क्या पैगाम ये हम दे रहे हैं पूरी दुनिया को? मैं सादकाबाद से देखने आया हूँ मैच कराची देखे। वाह भाई, इतना मुझे खुशी हो रही है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की जीत है मैच, कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की है। अमन होगा, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी फारिंदाबाद। इसके बाद आप क्या चाहते हैं, कौन सी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आए पाकिस्तान से? इंशाल्लाह कोशिश ये होगी सब पाकिस्तान कोशिश स्टेडियम आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, कोई भी हमारे पाकिस्तान के अच्छे अमन हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का करम नवाजी है, जो भी टीम आई थी अच्छा इंशाल्लाह अमन होगा इंशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आप आए सादकाबाद से, अपना टाइम आप यहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। अभी मैं देख रही थी कि कुछ खवातीन भी यहाँ पर आ रही थी, आई थिंक बिकॉज दे आर कैरिंग अ बिग स्टफ डॉल, तो सब के सब जो हैं, सारी जो मीडिया है वो इस वक्त ज़रा उनसे भी बातों में लगी हुई। ज़रा और चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिकॉज जिस वक्त आप ये शो देख रहे हैं उसी वक्त मैच भी शुरू हो रहा है जो एलिमिनेटर राउंड है, और हम ये चाहते हैं कि उससे पहले जो है हम ये जितने भी लोग आ रहे हैं इनसे बात बात करके जरा आपको बताएं कि कैसा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम कश्मोर कंदकोट से आए हैं। कश्मोर कंदकोट से आज ही पहुँचे हो? जी जी, आज ही। नाम क्या आपका? सिकंदर अली। और किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हो। कराची किंग्स के लिए कहाँ कहाँ से लोग आए? इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कोई सपोर्ट करे? ये हमारे सिंध की टीम है कराची किंग्स, इस वजह से हम सिंध से, पूरे सिंध से कराची को सपोर्ट करने आए। वेरी गुड जी, इंजॉय कीजिए अपने जरा आज का पूरी इवनिंग जो है, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी हाउसफुल। यही बताया गया था कि PSL सीजन 4 एलिमिनेटर राउंड स्टार्ट होते ही, वैसे भी हमने देखा कि इवन जब ये लोगों को पता था कि आखिरी जो मैच हो रहे हैं मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, तब भी मैंने देखा कि स्टेडियम में लोग भरे हुए थे। ये वो स्पिरिट है पाकिस्तानियों में
कि कोई भी जीत हो, किसी की भी हार हो, लेकिन ये जीत वाकई पाकिस्तान की है। देखें तो ज़रा आवाम कैसे कह रही है, यही है पाकिस्तान, वो अंग पसंद मुल्क जो चाहता है कि क्रिकेट पाकिस्तान वापस आए। किस तरह से लोग यूनाइट हो रहे हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर मैं जिक्र करूँ तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी अरेंजमेंट है। आई वुडन्ट वॉन्ट टू मैंशन कि कितने लेयर सिक्योरिटी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, हमारे जितने भी अहलकार हैं वो जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इवन ट्रैफिक पुलिस को दाद देनी चाहिए क्योंकि इस पूरे एरिया को जो स्टेडियम के अतराफ का है, जिस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है और जहाँ जहाँ से पीएसएल के लिए शटल्स चलाई जा रही हैं, उस सारी चीज़ों को ये मैन करते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे ज़रा स्टेडियम की दूसरी साइड पर भी आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि लोग जोग दर जोग किस तरह से आज का ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं। बैक पीएसएल सीजन 4, ये है स्पिरिट जी पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं स्टेडियम के अतराफ किस तरह से पेट्रोलिंग मुस्तकिल हो रही है, लोगों का आना शुरू हो गया है। ओह आई मस्ट स्पीक टू दैट चाइल्ड, उसके चीक्स पर किंग्स किंग्स पेंटेड है। यहाँ पर बाहर हमने देखा है फेस पेंटर्स भी खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान के झंडे पेंट कर रहे हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, एंड ताकि जो है वो ये एक जो माहौल होता है ना स्टेडियम का, वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑल डेक्ड अप फॉर इट। आज का जो एलिमिनेटर राउंड है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है, स्टेडियम के अतराफ बड़ी अच्छी सी मैनेजमेंट की गई है, और अब से मेरा ख्याल है जस्ट वी आर लेफ्ट विद अबाउट एन आवर एंड अ हाफ, जिसके बाद ये टाकरा जो है वो शुरू होगा पीएसएल सीजन 4। अब बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये एक एलिमिनेटर आज, उसके बाद फिर एक और होगा एंड देन वी हैव दिस फाइनल्स, और अब जो है थोड़ी ही देर में जब बहुत सारे यहाँ पर एक गहमा गहमी शुरू हो जाएगी तो हम लोगों से पूछेंगे कि जज्बा क्या है पाकिस्तान के लिए, जज्बा क्या है क्रिकेट का, और क्या समझते हैं कि पीएसएल के ये मैचेस जो कराची में कराए गए इस तरह से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीज़न 5 पूरा जो है वो कहाँ पर हो। ये हमारे साथ सब लोग कराची किंग्स के सपोर्टर्स साफ नज़र आ रहे हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद जीरक। मोहम्मद जीरक, आज स्कूल नहीं गए ना, है ना? गए हो। आपका नाम? सुफियान। शायान। नीडलेस टू से कि आप लोग कराची किंग्स के सपोर्टर हैं, है ना? Yes. है ना, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस है कराची के आज जीतने के? 100%। अच्छा, डाई हार्ट सपोर्टर्स आई एम श्योर, लेकिन एक वो भी तो होता है ना, टीम स्पिरिट आपको नजर आ रहा है, कुछ गेम भी अब तक हमने देख लिया है, लेकिन पासा पलट सकती है कराची किंग्स सपोर्ट के साथ। सब कुछ सपोर्ट बहुत ज्यादा है आज, मुझे लगता है क्योंकि होम ग्राउंड है तो कराची को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होगा। कराची जीतेगा। सही है। कहाँ से आप लोग वैसे चल कर आ रहे हैं, कितनी दूर से? करीब से ही आ रहे हैं। चलिए, दैट्स गुड। ये स्पिरिट कैसा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल जब होता है और जिस तरह से लोगों को आप देखते हैं और जो स्टेडियम का माहौल होता है, क्या मैसेज जाता है पूरे दुनिया को? कंप्लीट पीस का माहौल जाता है, एक नेशनहुड की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बाइंडिंग की, सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। चलें जी, हैव फन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम्स। थैंक यू। So, oh, we have अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई आंटी? इनके साथ ही। अच्छा, इनके साथ ही हैं तो आप चलें, ये अच्छा है, मुझे देखकर लगता है, वरना फैमिलीज में यूजुअली खवातीन कहती हैं हमें क्या करना है मैच देख के। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि हमारे बच्चों का फेवरेट है। सही, बिल्कुल सही। चलें, आप इंजॉय कीजिए। कराची किंग्स इंशाल्लाह। कराची किंग्स इंशाल्लाह। चलें जी, किंग्स के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं। गुड नेम हमजा। कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? एनईडी में। ओह, सारे इंजीनियर्स बन रहे हो, वेरी नाइस। ये पासेस मिल गए, पासेस की बड़ा वो हो रहा है ना, पास कहाँ से लाए, कहाँ से की ये जल्दी? ये पास मेरे पास रात में आया है। ये वैसे मिल कैसे रहे, मैं भी बड़ी परेशान हूँ, लोग पूछते हैं, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगे। बहुत एफर्ट करनी पड़ी है लेकिन मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, चलिए, दैट्स वेरी गुड। सो ये अभी कुछ फेस वेस पेंट कराओ, यू आर द यूथ ऑफ पाकिस्तान है, कुछ लगे तो जरा शोर शराबा, कोई एक जरा नारा तो लग जाए आप लोगों से, कोई नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, हैव फन एंड एंजॉय द मैचेस। एलिमिनेटर राउंड के लिए लोग आ रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग साइट एरिया से आए हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
इस्लामाबाद चलो कराची एक ही फैमिली में से मुख्तलिफ टीम्स हैं हमारे पास है। कलंदर को कर रहे थे लेकिन वो बदकिस्मती से बाहर हो गई। अच्छा, तो इसलिए अपनी सेकंड चॉइस आपकी कराची है। शहर की टीम को कौन सा प्लेयर कराची का सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, इंग्राम। आप क्रिकेट खेलते हो जी? हाँ, आपको मजा आता है? ये फर्स्ट टाइम आए हो स्टेडियम में या इससे पहले आके देखा है? मैच फर्स्ट टाइम है। आज फर्स्ट टाइम? ओ तो बड़ा जबरदस्त मजा आने वाला है। तो आपका प्लेयर कौन सा है सबसे जबरदस्त? आपका हसन अली। ओ भाई, इंग्राम पे तो आज मुझे लगता है कि इंग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा ये कराची के सपोर्टर्स जो हैं वो जैसे कहते हैं ना इनसार किया हुआ है। चलो एक कोई नारा तो लगा दो कराची किंग्स का फिर। कराची किंग्स! आपको इनका 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 ऑफिशियल गाना याद है आपको कराची किंग्स का? कराची किंग्स लगा के विंग्स, सबको लेकर उड़ जाएंगे, दे दिल वालों का सब आपस में मिल जाएंगे, दे दना दन दे कराची किंग, दना दन दे कराची ते यहाँ है, ना पड़ेंगे कम तुमसे इस खेल के मैदान में है, दम हमसे हमसे दम हमसे। वेरी गुड। Boom boom la la ho, no doubt. Okay. Dana dande Karachi. Thank you so much. Have fun. Jao bachcho, bakhoob enjoy karna. Oh, we have another family coming. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kya naam hai aapka? Camera mein to dekh lo na. Acha, kisko support karne aaye ho? Karachi ko. Karachi ko kaun sa player acha lagta hai? Babar Azam. Babar Azam aaj batting kar le bas. Hain? Acha, jab inshaallah. अच्छा ये बताओ, जब कोई आउट होता है आपके आपकी टीम में से फिर कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है। अच्छा अच्छा नहीं लगता? हाँ, कुछ कुछ लोग तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं ना? जी, इसी संडे हमने एक चीज एक्सपीरियंस की थी। अच्छा, की थी आपने? हाँ, संडे वाज अ नेल बाइटिंग मैच। हाँ, आज आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह कराची जीतेगा आज। वेरी गुड। सो PSL कमिंग टू पाकिस्तान, हाउ डू यू फील? We feel very exciting about it because हम देखते थे IPL तो देखते थे कि इंडिया की पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा इन होती थी और हम जो है वो मिस करते थे उसको। सही। PSL इन तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अगले साल पूरा PSL पाकिस्तान में होगा। ये ऑफिस से छुट्टी भी आराम से मिल जाती होगी ना? क्या आज हमें मैच खेलना है? ऑफिस से छुट्टी की है मैंने, है ना? ये जबरदस्त है भाई हमारे मुल्क की बात कि मैच के लिए स्कूल भी ऑफ कर देते हैं हम लोग और ऑफिस से भी छुट्टी मिल जाती है। दैट्स द स्पिरिट, गो हैव फन एंड आई होप यू एंजॉय। ओह, वी हैव गॉट द फेस पेंटर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड? हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करो, कराची किंग्स को? कराची किंग्स को। नाम क्या है? शांति। और आपका? अंजलि। ओके, पहली दफे स्टेडियम आए हो? वेरी गुड, चलो खूब एंजॉय करना। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे? मैं वैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ हाँ, मुझे लग रहा था ये जब फेस पेंट हुए ना तो पता चल गया कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स आ रहे हैं। चले अल्लाह करे आपकी टीम जीत जाए इंशाल्लाह। सो माहौल कैसा है ये PSL कमिंग टू पाकिस्तान? जबरदस्त माहौल है। अगर ये कंप्लीट PSL पाकिस्तान आ जाए तो फिर वाहवाह हो जाएगी हमारी। क्रिकेट ही पाकिस्तान आ जाए ना, टोटल पाकिस्तान आ जाए, इंटरनेशनल टीमें आए। हाँ। इससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलेगा जिस तरह तमाम फॉरेनर क्रिकेटर खेलने आए हैं। वेरी गुड, इंशाल्लाह हम पुरउम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर पूरा PSL पाकिस्तान में हो। पाकिस्तानी कौम ने वैसे ये साबित कर दिया है इस PSL के अंदर और हर PSL में करती है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं और ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि देखें हम वो कौम हैं जो फ़न लविंग हैं, हम वो कौम हैं जो अमन पसंद है, हम वो कौम हैं जो खेल को कितना पसंद करते हैं। जो कौमें अपनी सकाफत को अपनी खेल के पीछे दीवानी होती हैं वही एक्चुअल वो कौमें होती हैं जिनके अंदर खूब जज्बा होता है। ये जज्बा जो आज हम देख रहे हैं इस क्रिकेट के ग्राउंड के इतराफ़ और जो अंदर आपको हर मैच में नज़र आया है वो चीख चीख कर ये पूरी दुनिया को बताता है कि स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट अस, लिसन अस, दिस इज़ पाकिस्तान, अ पीसफुल कंट्री, अ पीस लविंग नेशन। वी हैव अनदर फैमिली कमिंग दिस साइड और अनदर फैमिली कमिंग दिस साइड। अब तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी सब पहुँच रहे हैं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स लग रहे हैं मुझे। हम कराची के सपोर्टर, कराची में है तो कराची के सपोर्टर। नहीं नहीं, आप किसी को सपोर्टर हम सबके हैं। वेरी गुड, हम क्रिकेट के सपोर्टर हैं। सही बात है, क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है हमारे लिए खुशी की बात है। हम सब वो बच्चे जो जिन्होंने 10 साल से क्रिकेट नहीं देखी, मेरी बेटी है
माशा ये सब लोगों के लिए क्रिकेट आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके बाद इंटरनेशनल टीम और भी आएंगी, आमीन, और हम आगे चलेंगे इसको बढ़ाएंगे। आपने तो हमारी हॉस्पिटलिटी को लोग देख लेंगे और देख रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने तो मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे, बिकॉज आई रिमेम्बर कि इसी स्टेडियम की रोड से कभी हम गुजरा करते थे अपने बचपन में, तो खूब आवाज़ें आती थी क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर हुआ करती थी। आई एम श्योर आपके शहरों में भी इसी तरह से आपको महसूस होता होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट ज़रूर आएगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? कराची। कराची को। अच्छा ये बताओ कि क्या वो क्रिकेट के वो डाई हार्ट फैंस हो कि हारते वक्त जो है फिर रोना धोना होता है? नहीं नहीं। अगर आज कराची हार गया फिर नेक्स्ट किसको सपोर्ट करोगी? पेशावर। फिर पेशावर के फैंस हैं, ओके ग्रेट। और आप? कराची। कराची को। किधर जा रहे हैं सब ये सारे सपोर्टर्स? कमॉन कमॉन कमॉन, लेट्स हैव अ वर्ड विद यू। नाम बताओ। अहमर। अहमर कहाँ से खरीदी ये? बावल अदे। अच्छा कौन सा फेवरेट है प्लेयर कराची किंग्स में? कराची किंग्स में मेरा फेवरेट मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, चलो गो हैव फन। ऑलराइट, आप भी आए हो, आप भी आए हो, स्कूल गए थे आज? जी। अच्छा सबको बताया कि मैं आज मैच देखने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास पास भी आ गया है, ऐसा ही हुआ होगा ना? अच्छा तो कौन सी टीम सबसे ज़्यादा अब तक आपको अच्छी लगी या थ्रू आउट आपने कराची को सपोर्ट किया? थ्रू आउट ही कराची को सपोर्ट किया, अभी तो कोयटा नंबर वन जा रही है। और आज? आज इंशाल्लाह कराची जीते। आज कराची जीते, मुझे लग रहा है कराची की टीम को जब तक जब वो आएंगे तो ये जो क्राउड है ना जो पूरा कराची को सपोर्ट करने के लिए आ गया है बिकॉज होम ग्राउंड है, आई थिंक ये जज्बा ही उनको जो है ना किसी तरह जिता ही देगा। इंशाल्लाह कराची जीतेगा। कराची जीतेगा। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत मुबारक हो क्या आप लोग स्टेडियम तक आ गए। हाँ लोग यहाँ पर पासों के लिए पता नहीं आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये बहुत पहले से आपका प्लान था कि अगर PSL हुआ तो आप आएंगे? लंदन से आए हैं। वाओ, ऑनलाइन पे किया था सब कुछ। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मिल गई हमें। सो व्हिच मींस दैट यू आर अ फैन ऑफ पाकिस्तान? ऑफ कोर्स है ना? यस। एंड द क्रिकेट, तभी ये प्रीमियर लीग आई है, तभी आप इसलिए इतनी दूर से आए हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ का माहौल देख कर? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले साल यही होगा PSL पूरा इंशाल्लाह। बाहर रहकर जो पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, आज जब आप इस कौम को देखते हैं, इस क्रिकेट के पीछे दीवानी, कोई भी टीम हो अगर उनकी टीम हार जाती है वो नेक्स्ट टीम को सपोर्ट करने लगते हैं, क्या महसूस होता है आपको? नहीं वहाँ तो कोई ऐसी खास वो बात नहीं होती लंदन में या बाहर, लेकिन जहाँ पाकिस्तानी होते हैं ना वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। जज्बा होता है, जुनून होता है, जुनून होता है, शोर होता है। बिल्कुल है? कोई भी जीते जीतेगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, एंजॉय योर मैच। सो ये वो जज्बा है जो कि आपको हर जगह नजर आता है। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर फैमिली ज़रा तेज़ी से चल रही हैं बिकॉज यू नो दे वॉन्ट टू फाइंड अ गुड स्पॉट टू सेट ताकि वो अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर सकें। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कराची में नेशनल स्टेडियम के बाहर से जहाँ जहाँ ये लोग आ रहे हैं हम उन तक पहुँच रहे हैं सिर्फ आप सबको ये दिखाने के लिए कि दिस इज़ पाकिस्तान। और PSL सीज़न 4 जब पाकिस्तान आया है तो देखिए कि हमारी कौम किस तरह से इसको इंजॉय कर रही है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट और दीगर जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान आए, ये वो कौम है जो सपोर्ट करती है, ये जज्बा है जो हमें जिताएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। PSL सीज़न 4 नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हम हैं जहाँ पे आज एलिमिनेटर राउंड है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला है। वी हैव ऑल लेडीज़ विद अस एंड गर्ल्स। मेरे ख्याल से आप लोगों के घर के जो मेंबर्स हैं मेल मेंबर्स उनसे टिकट्स आप लोगों ने ले लिए हैं? हाँ ऐसे ऐसे ऐसा है ना, आके हम जाएंगे तो हमने जो है ना वो टिकट मार ली। ऐसे होके आ गए थे अपने दोस्तों के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ कर ली, तो हमने बोले अभी हमें जाना है। वेरी गुड। तो ये पूरा आप लोग सब योर सिस्टर्स या क्या कजन्स? कजन्स हैं, या फैमिली फ्रेंड्स हैं? अच्छा सब लोग मिलकर आए हैं। जी जी सब। सो आज का क्या प्लान है, किसको सपोर्ट करना है? कराची किंग। अच्छा किसी को PSL का गाना याद है जो PSL का इस दफे का है? हाँ हाँ आगे आगे हाथ ऊपर करके बोलो ये खेली मन को भाए, दिल की पुकार है ये प्यार है, अब झूमके बोलो तुम जज्बादार है, प्यार है ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखा दे तू और मजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू ये खेल दीवानों का। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर मैच, वाकई ये खेल दीवानों का। और बजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल
रहे हैं? हम तो डिसलवा टाउन से बिल्ला कॉलेज इंटर बोर्ड ऑफिस से आए। ओहो, वहाँ से तो नहीं पैदल चल के आ रहे? नहीं, पैदल चल के नहीं, गाड़ी से आए। गाड़ी से आए हैं। ये टिकट तो मिल गए, आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंशाल्लाह कराची किंग को सपोर्ट करेंगे और वो जीत के आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर फाइनल में किसको सपोर्ट करोगे? फाइनल में क्वेटा को करेंगे। फाइनल में क्वेटा, आप कराची किंग। कराची किंग जीतेगा। वी हैव अनदर वेरी लाइवली फैमिली कमिंग टू वॉच द मैच। नहीं क्या, स्टेडियम में फिर कैसे हंगामा होगा अगर ये शर्माना आए तो? नाम बताएं। माज खान। व्हाट डू यू डू? आई स्टडी इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर? और आप? आई स्टडी इन 9th क्लास। तो ये आज 9th क्लास से ये सब कुछ लिख करके, वो बड़े बड़े चार्ट्स नहीं लाए जिसमें लिख लिख कर बड़े मजे मजे की चीजें लिख रहा है वो? वही से। अच्छा, दूसरे दोस्त लेकर आएंगे। किसको सपोर्ट हो रहा है? कराची, ऑब्वियसली कराची में तो कराची को ही सपोर्ट होगा। ऑब्वियस, यस कराची। फेवरेट प्लेयर? कराची, कराची कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो, अच्छा जबरदस्त। हां, इंग्रम की बात हो रही है ना? इंग्रम की बात हो, दोनों मुनरो भी है इंग्रम। मुझे बताएं बॉलर कौन सा ऐसा है जो आज आपको लगता है बड़ा जबरदस्त चलेगा? उमर खान स्पिनर, हमेशा वही निकालता है किसी मेन प्लेयर के विकेट, अभी वही निकालेगा। वही निकालेगा, चलो ऑल द बेस्ट, हैव फन। ओके, वी हैव अनदर फैमिली हियर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग ये सब कुछ साथ लेकर आए हैं? हाँ, मजा करने के लिए। थक भी गए हम। थक भी गए? क्यों थक गए हैं? अभी तो आगे बड़ा शोर करना है आपने। मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये आपने खुद एलिमिनेटर के लिए चूज किया था टू कम, या आप लोग पहले से भी आना चाहते थे? नहीं, एलिमिनेटर का चूज नहीं किया था, बस रैंडम हम गए और हमें यही मिला था क्योंकि शिफ्ट हुए थे ना लाहौर वाले मैचेस कराची में। हाँ। हमें तो बस यही मिल गया। अच्छा। बस ये है कि कराची को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह कराची जीतेगा। वरना अगर कराची को ना करें तो नेक्स्ट टीम आपकी चॉइस क्या है? मेरी क्वेटा टीम है। आपकी क्वेटा है? ओके, क्वेटा मेरी फेवरेट टीम भी है कराची के बाद। अच्छा, एग्जैक्टली सही। कराची सबसे पहले? नहीं, कराची सबसे पहले है। अच्छा, कराची सबसे पहले। कराची वालों के लिए कराची सबसे पहले है। चलें जी, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, All right. Come here, female ladies. Let's have fun. बताइए, why do you not have those banners? ताकि आप लोग लिख लिख कर जबरदस्त सी चीजें करते ना, लेकर आए हो आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लाए, हमें बहुत लेट हो रहा था। लेट हो रहा? सारा टाइम तैयारी में लगा दिया। Oh, to look the best, हाँ? ऐसा ही था ये। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा तय किया गया होगा ना, what am I going to wear at the stadium? है ना? बहुत, बहुत। कितनी दफे चूज करने के बाद यू फाइनली? पूरी रात। और आपने? जी मैंने पूरी रात। ओके, किसको सपोर्ट कर रहे हो? कराची किंग्स। कराची किंग्स को, चलो हैव फन। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सिक्योरिटी के क्योंकि इंतज़ाम काफ़ी सख्त किए गए हैं, और इसका रीज़न यही है कि बहुत पुरम तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस सारे मैच को यहाँ पर ये पूरा इवेंट हो जाए। और सिक्योरिटी जो है, हम ज़रा हमारे रिपोर्टर जो है वो मुस्तकिल यहाँ पर कवर करते आए हैं। बदी जो है, और बदी की बदौलत, अरे क्या ज़बरदस्त लाइन है, बदी की बदौलत हम आज यहाँ पर आने में कामयाब हो गए। बदी, सारे पासेज इधर उधर, लोग कैसे जबरदस्त तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं पासेस। देखिए, मैं आपको बताऊँ, उन्हें से बताऊँ कि सुबह से लेकर रात तक कम से कम मेरे पास 50 से 100 कॉलें आती हैं सिर्फ और सिर्फ पास मांगने के लिए। लेकिन हमें भी पाकिस्तान की रिपोर्ट वही लिमिटेड चीज़ देता है, जो हमें जो होता है हम उस तक पहुँचा देते हैं, तो जिसकी वजह से है। लेकिन शोर वगोल मैं बताऊँ कि जब मैच शुरू होता है तो 7 बजे के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, इतना हल्ला गुल्ला होता है, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, तो एक माहौल सा बन गया है क्योंकि लोग काफ़ी तरसे हुए हैं, शहर कायद के लोग, पाकिस्तान के लोग, के पाकिस्तान में इतने अच्छे बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारे दरमियान आए। खास तौर पर शेन वॉटसन को देखकर लोग काफ़ी खुश हुए, और गुज़िश्ता जो मैच हुआ उसमें क्या बॉलिंग थी, उन्होंने जो बैटिंग की उसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर किया और जितवाया, तो ये एक पाकिस्तानी जो शहर कायद के लोग थे वो काफ़ी इस तरह की चीज़ों से जो है वो महरूम थे। इस तरह से जो हो रहा है, और रात को जब हम देखते हैं तो एक माहौल सा बना होता है स्टेडियम में, वाकई ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वो रोन के जो खो गई थी 2009 के बाद, तो वो वापस आना शुरू हो गई। भाई आज स्टेडियम जोर जोर से क्या चीखेगा? कराची, 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 कराची। अच्छा, अगर खुदा नाम है कराची, उसका शहर है।
You can expect these kind of naras because we have all the teenagers over here. Naam beta aapka kya hai? Huzaifa. Okay, aur aap bhi Karachi ke supporter hain. Uske baad next team aapki kaun si hogi? Uski team iske alawa Quetta. Quetta hogi, Quetta hogi. To kahan se aa rahe hain bhai aap log? Dekhiye hum to Karachi ke hi hain, Karachi se honge. Lekin असल मसला कराची का और इस्लामाबाद का नहीं है, असल मसला है क्रिकेट की बहाली का पाकिस्तान में, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली का। आईसीसी से हमारा मुतालबा भी है, अगर आप दहशत गर्दों के इस अजाइम को पूरा करोगे, पाबंदियाँ लगाओगे, तो आज ये पाकिस्तान में हुई है, कल ये किसी और मुल्क में होगी, अगर उनको रोकना है तो इस क्रिकेट को बहाल करना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर मैचेस। जी कराची सपोर्टर, कैसा लगता है क्रिकेट? बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और कराची इज आवर पैशन एंड वी आर क्रेजी अबाउट इट, एंड इंशाल्लाह कराची विल विन एंड विल ग्रैब द ट्रॉफी। अच्छा, ओके, ऑलराइट, हैव फन। तो ये है भाई, ये पूरा स्पिरिट। और जैसे बदी ने बड़ा ज़बरदस्त हमको बताया कि यहाँ पर जाहिर है होम ग्राउंड है, कराची में हो रहा है, तो कराची के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन थ्रू आउट PSL बदी भी यही कहते हैं कि जो स्पिरिट है और स्टेडियम का माहौल है। इनफैक्ट इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मुझे बदी कह रहा था कि अगर आप अंदर स्टेडियम में आ जाएँ जिस वक्त मैच स्टार्ट होता है, शायद फिर मैच कम देखा जाता है, ये हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। वो जो फ़न का एलिमेंट हमारी कौम के अंदर है, वो जज्बा, वो खुशी मनाने का जो पहलू होता है, यही कौमें होती हैं जो दिखाती हैं कि अगर हम अमन पसंद ना होते तो हम इस तरह की सेलिब्रेशंस ना करते। हम सब की ये डिमांड है कि कराची के अंदर, पेशावर हो, मुल्तान हो, पूरा पाकिस्तान हो, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए है। और ये सारे मैचेस करवा कर ये साबित किया जा चुका है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लाई जा सकती है। PCB को भी इसका सेहरा जाता है, नॉट टू फॉरगेट वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। नजम सेठी जब चेयरमैन PCB थे, बड़ी उन्होंने जद्दोजहद करके इस PSL को यहाँ पर लेकर आए, एंड टुडे वी आर हैविंग ऑल दिस फन। एंड जो हमारे करंट PCB के चेयरमैन हैं एहसान मानी साहब, उनका भी बड़ा इसके अंदर अमल दखल है कि PSL सीज़न 4 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हो रहा है। क्राउड आप देख सकते हैं, आज का मैच कोई भी हारे कोई भी जीते, जैसे हमारे सारे सपोर्टर्स ने कहा है, जीत सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।